नमस्कार, मैं हूं प्रणब से मल्टी प्रणब आनंद और स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज कल आज और कल में। तो आइए जानते हैं कुछ बड़ी खबरें। चमोली जनपद के पीपल कोटी भनेर पानी में सड़क बंद हुए समय पर एसडीआरएफ की टीम द्वारा सैकड़ों यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग से दूसरी तरफ पहुँचाया गया। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इस रेल लाइन पर 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा डोईवाला बड़कोट उत्तरकाशी रेलवे लाइन पर भी प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस रेल लाइन का सर्वे किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट पर 24,000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। इस रेल लाइन पर 10 स्टेशन का सर्वे किया गया है। कोरोना महामारी के कारण उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही महीनों से स्कूल बंद पड़े हैं। स्कूलों को खोलने के विषय में मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जब लगेगा कि महामारी से प्रदेश सुरक्षित है तब इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। हल्द्वानी में पुलिस विभाग के कई पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आए हैं, जिनमें 5 दरोगा, 6 कांस्टेबल, 1 हेड कांस्टेबल और 1 नाई है। SSP ने कहा कि सभी का उपचार चल रहा है और उनके संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया। साथ ही फील्ड में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पूरी सावधानी के साथ ड्यूटी करने को कहा गया है। तो मुख्य समाचार में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।